लोभी कपटी के घर जाकर धन माल में मौज उड़ाओगे। जो धर्म कार्य में खर्च करे ना धन देखी देखी मर जाओगे। धर्म कार्य में कर चुकर धन दे कटाई मर जाओ रे। पार रे अब अच्छा में राजू मेरो भैया। जो पांचवा स्थान दिया है, लोभी कपटी के घर जाकर के धनमाल सब सुवर्ण में तुम्हारा वास है। इतना कहा जो जरासिंध का मुकुट रखा था अष्ट धातुओं का, जो भीम ने जरासिंध को मारा था और उसकी मना करके इस कमरे में बक्सा है, बक्से के अंदर जो चीज रखी हो उसे जीवन में इस्तेमाल मत करना, नहीं धोखा पाओगे। पांडव मने करके गए थे, आज राजा परीक्षित ने वरदान तो दे दिया और घर पे आ गए कुछ समय के बाद और वो ही दरवाजा खोलिया, कमरा खोला और कमरा खोल करके और जैसी बक्सा खोला है उसमें मुकुट देखा है और मुकुट को अपने सर से बांधा। मुकुट बांध करके आज मुकुट बांध करके भगवत प्रेमियों और दर्पण में जब देखा है तो बहुत सुंदर लगने लगा। जो मुकुट सर पे बांधा है देखो, मुकुट सर पे बांधने के पश्चात तुरंत कलयुग छलांग मार करके पहुंच गया। जो कलयुग बैठा खोपड़ी पर बुद्धि खराब हो गई, अब क्या करें। कुछ दिनों के बाद राजा परीक्षित फिर गया घूमने के लिए, घोड़े पर सवार होकर के जा रहा है, घोड़ा हींच देता हुआ आगे बढ़ रहा है। जब घोड़ा पर सवार होकर के आगे चलाए, गर्मी पड़ रही थी, माथे पे पसीना टपक रहा था, प्यास लग रही थी, समीक ऋषि महाराज तपस्या कर रहे थे कि कृपा दृष्टि गुणो धर्मम अहिम देवम प्रदायण। नत मस्तक को झुका करके चरणों में झुकाया और कहा बाबा मुझे पानी पिला दो, बड़ी जोर से प्यास लगी है, मेरे प्राण घबरा रहे, पानी पिला दो। एक ध्यान करना, भूख लग रही हो तो भूख से मरोगे नहीं लेकिन प्यास बिना मर जाओगे। भोजन नहीं मिले कोई बात नहीं लेकिन पानी तो मिलना चाहिए। प्यास लग रही, बार बार कहा है पानी पिला दो, लेकिन श्रमिक ऋषि महाराज आसन पर बैठे भजन कर रहे, भजन कर रहे। बार बार परीक्षित ने कहा नहीं पानी पिलाया तो
तो आगे इधर उधर देखा तो मरा हुआ सर्प पड़ा था। आज सर्प को उठा करके बांध से और उनके गले में पहना दिया, ऋषि का अपमान कर दिया। ऋषि के पुत्र थे सिंगी ऋषि महाराज, उनको पता चला है कि मेरे गुरु के गले में मृतक सर्प को डाल दिया। जो चेला अगर गुरु का अपमान सहन कर जाए समझ लो अधोगति में जाना पड़ेगा। बेटा बाप का अपमान सहन नहीं कर सकता है, और अगर सहन कर लिया तो समझ लो सातों जन्म बिगड़ जाएंगे। कहते हैं बाप का बदला जो नहीं ले बैठा कि जीवन को धिक्कार। तभी जन्मेजय ने अपने बाप का बदला लिया था जो यज्ञ की करोड़ों लाख पाड़ में कुंड में जाकर के होम दिए थे, बाप का बदला लिया था। बड़ा दुखी है, विचार करने लगे क्या करें। हे भगवान, सिंह ऋषि ने जा करके और जल लेकर के एकदम पृथ्वी पे मारा के जाओ, आज से सातवें दिन तुझे तक्षक सर्प ही डसेगा, कोई बचाने वाला नहीं होगा। तूने मेरे गुरु पितामह गुरु के गले में मृतक सर्प को डाला है, श्राप दे दिया है। बाबा जी ने चौपाई लिखी है वो गलत नहीं, अरे मोरा बचना चाहे पड़ी जाए फीका रामा मोरा बचना। है